हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेज। गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड या सॉल्ट। कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया जिंक मेटल ली हमने और कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्ट लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट लिया और कौन सी मेटल ली, जिंक मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था जो जिंक मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। क्या होगी, जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी किससे, कॉपर से। यहाँ पे सॉल्ट किसका है, कॉपर मेटल का सॉल्ट दिया गया है, कॉपर सल्फेट। तो जो सॉल्ट के अंदर मेटल है कॉपर, उससे ये जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को इसके सॉल्ट या इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगी, यहाँ से इसको हटा देगी और इसकी जगह खुद आ जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और जो कलर देखा जाता है सॉल्यूशन का, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रोइल बोलते हैं इसको, नीला थोथा नीले कलर का होता है। इसमें जिंक मेटल ऐड की गई तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, तो जो ये ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, तो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया क्योंकि हमारे पास कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं, सारा का सारा हमारा जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग यहाँ पे रिप्लेस हुआ है कॉपर अलग से। कॉपर का कैसा कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, और जिंक सल्फेट कलरलेस है, कॉपर इसके अंदर नीचे डिपॉजिट होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब आप जिंक की रोड डालते हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा कलरलेस बन जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। ये कॉपर मेटल को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद सॉल्ट बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। या फिर सेकेंड रिएक्शन है, जैसे कॉपर सल्फेट लिया हमने, मैग्नीशियम मेटल ली, सॉल्ट किसका है, कॉपर मेटल का, जिसका भी सॉल्ट है वो मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव। कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव, ये हम रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम मेटल यहाँ कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम कॉपर की बजाय, तो कॉपर को इसके सॉल्ट में से हटा देगी, क्या बना देगी, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस कॉपर। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होगा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा हमारा, तो यहाँ से भी ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, जो आयरन सल्फेट लिया हमने FeSO4, उसमें जिंक ऐड किया गया तो क्या बना, जिंक मेटल भी आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जिंक और आयरन में से कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जिंक मेटल, तो जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन बनेगा। अगर आप ये करते हो, जैसे Cu+ ZnSO4 लिखते हो, जो सॉल्ट दिया गया है अब की बार वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ पे है, सॉल्ट ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का है और जो अलग मेटल दी गई है ये कम रिएक्टिव है, अब की बात लेस रिएक्टिव मेटल है, क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को इसके सॉल्ट में से, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जो आपको रिएक्टेंट दिया गया है वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो अगर आपसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की रिएक्शन पूछी जाए क्या होगा, नो रिएक्शन। इसी तरीके से FeSO4 लिया है और प्लस कॉपर, जो सॉल्ट है वो फेरस सल्फेट, वो आयरन मेटल का सॉल्ट है, कॉपर यहाँ पे अलग से ऐड किया गया है, तो कॉपर और आयरन में से आयरन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। इस वजह से
यहाँ पे जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो गाइज ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।